गाइस, तो आज दोनों हम जा रहे हैं स्ट्रेटनिंग करने। क्लाइंट में एक बहुत दूर है थाने में, हम स्ट्रेटनिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम ट्रेन से जाने वाले, तो अभी हम यहाँ से कैम्बूर से सुबह नहा धोकर घर से निकले, कैम्बूर से कुर्ला न जाने वाले हैं, फिर ट्रेन पकड़ेंगे थाने के लिए। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है, देख सकते हैं। मौसम भी आज अच्छा है, मौसम भी अच्छा, हवा अच्छी चल रही है, और देख सकते हैं क्या मजा आ रहा है। ये स्वैग स्टाइल की टी शर्ट है, मजा आ रहे हैं स्वैग स्टाइल, जाओ कपड़े खरीदो साथ साथ। सो गाइस हमने ट्रेन मिस कर दिए, एक दूसरी आने वाली है, उसका वेट करेंगे हम, क्योंकि ट्रेन में जो ट्रेवल्स है बहुत कम करते हैं। तो अभी फिलहाल क्या ना, कैसी आज बाइक से जाने का मन नहीं था, तो ट्रेन से जाने का मन था, तो इसकी वजह से आज हम आए ट्रेन पे। तो ट्रेन हमारी मिस हो गई है, तो हम अभी दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे और फिर उसमें जाएंगे बैठकर। तो गाइस मिलते हैं, खड़े रहें ट्रेन के लिए, हमारे साथ वेट होता रहेगा आज ट्रेन का। चल चुके हैं लोकल ट्रेन में मुंबई कुर्ला टू थाना। जैसे देख सकते हैं आप, हम आ चुके हैं थाने, आए हैं अपना साइन से थाने स्ट्रेटनिंग करने, और ये हमारी क्लाइंट है। तो आपको कैसा फील होने वाला है, अभी कैसा फील हो रहा है, कैसा फील होने वाला है, सरप्राइजिंग। जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हैं, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या केराटिन, पहले आप हेयर चेक करें, उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करें। ये हेयर जो है थोड़ा वेवी हेयर है, तो हम इस पर थोड़ा नॉर्मल क्रीम लगाएंगे लोरियल का। ये पहले शैम्पू किया है प्यूरिफाई शैम्पू से, और अभी भी दो प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट। तो गाइस अभी देख सकते हैं जो हमारी क्लाइंट है ज्योति, कैसा बाल उनका हो रहा है, पूरा बालों का टेक्सचर बिगड़ा हुआ है। तो अभी हम इससे स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं, देख लें पहले आप इसका ये फ्लैग, देख लें लैंडमार्क रहता है कौन सा क्रीम आपको करना है अप्लाई। अगर और आपको वीडियो के बाद लास्ट में बता दूंगा, कुछ भी अगर आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमारे नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो गाइस कैमरा थोड़ा इधर लेके आए दोस्त, और मैं आपको दिखा दूं, पहले आपको फोर सेक्शन जो है डिवाइड करना है, फोर सेक्शन में 1 2 3 4, उसके बाद आपको अपना प्रोसीजर चालू करना है, और कहीं से भी एंड कर, कहीं से भी स्टार्ट कर रहे तो उसमें आपको बाद में चेक करना है चारों तरफ बस। इसके कर लेना, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत हालत खराब होने वाली है, कमर में दर्द हो चुका है, और मेरे मिनट पर चाय मांगता रहूंगा। जितनी मेहनत हो वैसा रिजल्ट भी आता है, तो अच्छा काम करें, साफ रखें, क्लीन रखें, जितना अच्छा साफ काम करेंगे उतना अच्छा क्लीन अच्छा रहेगा, एकदम नीट नीट एंड क्लीन। देख सकते हैं एक एक सेक्शन सेक्शन को आपने एकदम प्रॉपर क्रीम अप्लाई करनी है, और क्रीम ऐसे लेना ऐसे आराम से। तो गाइस क्रीम का प्रोसीजर खत्म हो गया, होने वाला है तो हमें 25 मिनट बाद इसको चेक करना है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद जब आपको लगेगा आपको बाल हो गया तो वॉश करना है 45 मिनट बाद चेक करने लगे। देख सकते हैं आप लग गया, क्रीम अच्छे से अप्लाई करें, फर्स्ट प्रोसीजर है क्रीम अच्छे से अप्लाई करें, ना ज्यादा घना ले ना ज्यादा कम ले, सेक्शन बाय सेक्शन ले, ये ध्यान रखें काम अपना नीट एंड क्लीन रखे, एक एक सेक्शन को बराबर। रूल्स पे अप्लाई ना करें,
गाइस हमने न्यूट्रलाइजर लगा दिया है और ये हमारा सेकंड प्रोसीजर जो है ख़त्म हो गया है। अब हमें जो बाल वॉश करना है 15 मिनट के बाद। गाइस आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर ख़त्म हो गया है और देख सकते हैं कितना शाइनिंग है हेयर में, एकदम शाइन जिसे कहते हैं वो स्मूथनिंग हो रहा है। गाइस देखते रहे सही इसके सलून फॉलो करते रहे। कैसा लगा मैडम? Awesome.